प्रतिनिधियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने कल ही जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती उषा सिंह जी को पुनः विजयी बनाया है और श्रीमती उषा सिंह जी को मैं विजयी होने पर हृदय से बधाई देता हूं, उनके एक सफल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, आज प्रदेश के अंदर वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत वन विभाग के तत्वाधान में एक बृहद वृक्षारोपण का एक अभियान चल रहा है। वृक्षारोपण के इस महाअभियान के अंतर्गत आज हम कई नए रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। उनमें से एक रिकॉर्ड होगा कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने जो वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आगे बढ़ाया है उसमें आज 1 बिलियनवां यानी 100 करोड़वां पौधा भी लगाने का काम आज प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। प्रातः काल से ही लोगों में अपार उत्साह है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को भी सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद फिर से नए उत्साह और उमंग के साथ प्रदेशवासियों ने इस वृक्षारोपण महाभियान के साथ सहभागी बनने का जो उत्साह है आज उसका परिणाम है कि प्रातः काल से लेकर अब तक लगभग 9 करोड़ वृक्ष अब तक आज लग चुके हैं। पूरे दिन भर ये कार्यक्रम देर शाम तक चलेगा और कल और परसों यानी 7 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के तक वन महोत्सव के इस कार्यक्रम के अवसर पर हम लोग प्रदेश के हर जनपद में, हर ग्राम पंचायत में, हर मोहल्ले में वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज ये कुछ नयापन यहां पर देखने को मिला होगा। भाइयों बहनों, आज से 2 साल 3 साल पहले जहां पर हम लोग आज बैठे हुए हैं यहां पर सामान्य खेत रहे होंगे, लेकिन आज यहां पर एक एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक रोजगार, नौकरी और औद्योगिकीकरण की दिशा में कैसे प्रयास आगे बढ़ाए जाने हैं उसका एक नई कड़ी ये हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने के लिए या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोग इस क्षेत्र के नागरिकों को और पूर्वांचल के वासियों को उपलब्ध करवा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे को केंद्र में रखकर के हमारी सरकार कुछ तय कर रही है कि हम लोग 5 स्थानों पर 5 औद्योगिक क्लस्टर विकसित करेंगे जहां पर उद्योग लगेंगे, कहीं पे फार्मा पार्क, कहीं आईटी पार्क, कहीं पर ओडीओपी के लिए, कहीं पे प्लास्टिक पार्क के लिए, कहीं टेक्सटाइल पार्क के लिए और प्रत्येक पार्क के माध्यम से लगने वाली जो इकाइयां होंगी उनके माध्यम से लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं विकसित होंगी और उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी प्राप्त करेगा, रोजगार प्राप्त करेगा, स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होगा और उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में अपना योगदान देगा। भाइयों बहनों,
कि केवल एक औद्योगिक गलियारा ही नहीं बनेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण का एक आधार भी मजबूत आधार देगा। और इसीलिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वृक्षारोपण के महाअभियान के साथ जुड़ने के लिए मैं आज स्वयं आपके पास अपने वन मंत्री के साथ, यहां इस जनपद के लोकप्रिय विधायकों के साथ आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज यहां पर बहुत सारी चीजें हुई। मैं इससे पहले यहां पर पंचवटी, नौ ग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका, देखिए जिनका संबंध प्राचीन भारत की ऋषि परंपरा से है, ऐसे पवित्र वृक्षों का रोपण करके मैं स्वयं अपने को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैंने भारत की ऋषि परंपरा की, अपनी उस परंपरा की विरासत में प्राप्त जितने भी ऐसे पवित्र वृक्ष हैं उनको मैंने, मेरे वन मंत्री ने और मेरे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के माननीय विधायक और पूर्व विधायकगण हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक एक वृक्ष को लगाया, यहाँ के स्कूली बच्चों ने वृक्षों को लगाया और हम लोगों ने अपना संबंध अपने पूर्वजों की परंपरा से भारत की ऋषि परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य किया। मुझे अद्भुत लगा जब मैंने देखा कि यूपीडा ने अपने विभाग के साथ मिलकर के यहाँ के एक बहुत प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे उसको हेरिटेज वृक्ष, यानी 100 वर्ष पुराना वृक्ष है, आप देखेंगे, मैं तो बोल रहा था कि हाईवे के ऊपर, एक्सप्रेस वे के ऊपर कार्यक्रम करने की बजाय अगर हम उस पेड़ के स्थान इस कार्यक्रम को करके तो कार्यक्रम की रौनक और ज्यादा होती, इसकी शोभा और ज्यादा बढ़ जाती। कितना शानदार वृक्ष है, अपने आप में वह अपनी वृद्धावस्था की जटाओं को लेकर के हमें बहुत कुछ एहसास करा रहा था, एक नया आध्यात्मिक वातावरण प्रदान कर रहा था। उसे हेरिटेज वृक्ष यानी विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता दे करके, वहां पूजन करके, अयोध्या से आए, सुग्रीव किला से आए हुए पूज्य संतों और आचार्यों के सानिध्य में वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद मुझे आपसे संवाद करने का अवसर यहां पर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, जैसे इस वट वृक्ष को हम लोगों ने हेरिटेज वृक्ष के रूप में मान्यता दी है, विरासत वृक्ष के रूप में मान्यता दी है, ऐसे ही हम हर जगह जहां भी 100 वर्ष पुराने वृक्ष होंगे उन सबको इसी प्रकार से मान्यता देकर के उनका संरक्षण करेंगे, हमारा प्रकृति और पर्यावरण का बेहतर संतुलन हो पाएगा, हर व्यक्ति सुरक्षित होगा। मुझे यहां पर एक और चीज देखने को मिली, पूरी दुनिया विगत सवा वर्ष से, यानी मार्च 2020 से एक अदृश्य महामारी, अदृश्य शत्रु का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी समाप्त नहीं हुई, आप सबके समृद्ध प्रयास से कमजोर जरूर हुआ है। उत्तर प्रदेश में सफलता पूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसके नियंत्रण जरूर प्राप्त किया है, लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना के प्रति हमें जागरूक होना रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन करना होगा, थोड़ी सी असावधानी नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा यहां के जिला प्रशासन को और वन विभाग को कि उन्होंने यहां पर एक स्मृति वाटिका का भी, यहां पे रोपण किया, स्मृति वाटिका भी बनाई। कोरोना के में कोविड और नॉन कोविड से जिन लोगों ने भी अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है उन सब के प्रति हमारी संवेदना, और उनकी स्मृति में एक वाटिका लगे हर ग्राम पंचायत में, हर मोहल्ले में उस प्रकार की वाटिका को रोपण की कार्रवाई, और वन विभाग 30 करोड़ वृक्ष इसके लिए अपना पौधा उपलब्ध करवा रहा है। आज एक स्मृति वाटिका भी यहां पर लगाई गई। स्मृति वाटिका के लिए मैं यहां के जिला प्रशासन को और स्मृति वाटिका जिन
लोगों की स्मृति में यहां लगाई गई है। उन सभी दिवंगत आत्माओं को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास करता हूं कि स्मृति वाटिका में लगाए गए पौधे उनकी स्मृतियों को सदैव पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें प्रेरित करता रहेगा। ये कोरोना महामारी ये इस सदी का पिछले 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी है, लेकिन भाइयों बहनों हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ लड़ना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व और उनके यशस्वी नेतृत्व में देश मजबूती से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हर प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही है, व्यापक टेस्टिंग की सुविधा, वैक्सीनेशन की व्यवस्था, गांव गांव में मेडिसिन किट की व्यवस्था, एडल्ट हो या बच्चे इन सबको, वयस्क या बच्चे सभी लोगों के लिए जो भी लक्षण युक्त है उन्हें मेडिसिन किट गांव गांव में निगरानी समितियां दे रही हैं। स्वच्छता सैनिटाइजेशन पर हमें ध्यान देना होगा और मेरा आप सबसे आग्रह है कोरोना के प्रति कतई लापरवाह मत बनिए। फोटो और सेल्फी खिंचाने के चक्कर में हम लोग कोई ऐसा गलत काम न कर ले जिसका खामियाजा बाद में हमें हमारे परिवार को भुगतना पड़े। पता नहीं कहां इंफेक्शन है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए सावधानी और सतर्कता आवश्यक है और उस सावधानी और सतर्कता के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन हमेशा हम करें, क्योंकि यही इस महामारी से लड़ने के लिए हमारा सबसे पहला हथियार होगा। दूसरा, गांव गांव में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि टेस्ट कराने से कोई भागे ना। निगरानी समिति जा रही है उनको, उनके सामने रोग को छुपाए ना, उन्हें जरूर बताएं, दवा दें। और इसके बाद आइए आपको सीधे ले चलते राजधानी दिल्ली, जहां के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो वो भी इसको करा सकता है सर। ए, ए, ए,